तो दोस्तों आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 5G और वीवो T1 5G के कैमरे के बारे में। कैमरा स्पेसिफिकेशन दोनों के एग्जैक्ट सेम हैं, जैसे कि रेयर पर दोनों में ही आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे का अपर्चर साइज सेम f1.8। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। अल्ट्रा वाइड लेंस आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट पर A14 5G में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज f2.0। वहीं वीवो T1 5G में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज f2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही नाइट मोड देखने को मिल जाता है। वीवो T1 5G में आपको स्लो मोशन का फीचर भी देखने को मिलेगा जो कि A14 5G में नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वीवो T1 5G में आपको 60 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि A14 5G में नहीं है। वहीं A14 5G में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है जो कि आपको T1 5G में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ ऑटो मोड पर कैप्चर किए कुछ कैमरा सैंपल्स। ऑटो मोड पर आपको दोनों में ही 12 मेगापिक्सल का फोटो देखने को मिलता है। कलर टोन की बात करें तो यहाँ पर वीवो T1 5G में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू A14 5G। हालांकि A14 5G की बात करें तो यहाँ पर रेड कलर थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड दिखता है। इसके अलावा कलर टोन ज़्यादातर फोटोज़ में आपको नेचुरल देखने को मिलती है, लेकिन अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो उस कंडीशन में मुझे वीवो T1 5G के फोटोज़ ज़्यादा अमेजिंग नज़र आई। डिटेलिंग के मामले में भी वीवो T1 5G सैमसंग गैलेक्सी A14 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, जैसे कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। अब यहाँ पर थोड़े से आपके अपने पर भी डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोटो ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि मुझे यहाँ पर वीवो T1 5G के फ़ोटो ज़्यादा पसंद आए। कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ डिस्टेंस फोटोग्राफी या फिर कुछ दूरी से कैप्चर की है और यहाँ पर भी वीवो T1 5G ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इंडोर फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ भी T1 5G में आपको शार्प फोटोज़ देखने को मिलती हैं, कलर टोन ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू A14 5G। ओवरऑल ऑटो मोड पर मुझे T1 5G ज़्यादा बेहतर लगा A14 से। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है, बट यहाँ पर कलर टोन या फिर कहीं स्किन टोन में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर A14 5G की कहें तो यहाँ अननेसेसरी रेड टोन शो होती है, वहीं T1 5G के पोर्ट्रेट मोड में आपको अननेसेसरी वाइट टोन शो होती है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का स्किन टोन आपको दोनों में देखने को मिलता है। और पर्सनली मुझे यहाँ A14 5G का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर लगा T1 5G से। हालांकि A14 का भी पोर्ट्रेट मोड इतना अच्छा नहीं है, बट अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो फिर भी A14 5G का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा अच्छा है T1 5G से। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ A14 5G पूरी तरह से वीवो T1 को बीट करता है फोटोज़ में आप देख सकते हो। इसके अलावा नाइट मोड की बात करें तो दोनों का ही नाइट मोड इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बट वीवो T1 5G के लो लाइट में आपको एक अननेसेसरी येलो टोन शो होती है या फिर कहीं अननेसेसरी रेड टोन शो होती है, जबकि A14 5G में ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो लो लाइट और नाइट मोड दोनों में ही A14 5G T1 5G से बहुत ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ भी मुझे A14 5G ज़्यादा बेहतर लगा वीवो T1 5G से। ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो T1 5G का ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि A14 5G की सेल्फी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि आप इनमें से खुद जज कर सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। T1 5G के सेल्फी में आपको एक अननेसेसरी रेड टोन शो होती है, जबकि A14 5G में आपको नेचुरल स्किन टोन शो होती है और कलर्स भी ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं। डिटेलिंग के मामले में भी A14 5G का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर है वीवो T1 5G से। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यह है दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक फुल HD का वीडियो सैंपल। अब यहाँ पर सबसे पहले वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो A14 5G में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है और उसकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख ही सकते हो। काफ़ी कमाल का वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है A14 5G में एज़ कम्पेयर टू वीवो T1। हालांकि यहाँ पर ऑटो फोकस स्पीड की बात करें तो वीवो T1 5G की ज़्यादा बेहतर है A14 5G से। कलर टोन आप यहां पर देख ही सकते हो, T1 5G में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। डायनेमिक रेंज के मामले में A14 5G T1 5G को बीट करता है। तो 60 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है वीवो T1 5G में, वीडियो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है A14 5G में। तो अपने यूज के अकॉर्डिंग आप यहां से खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। बाकी का यही था मेरा दिन दोनों ही डिवाइसेस के बीच एक कैमरे का कंपैरिजन। कुछ कंडीशन में A14 5G बेहतर है, कुछ कंडीशन में वीवो T1 5G ना तो पूरी तरह से A14 5G T1 को बीट करता है ना ही T1 A14 को।
अपने यूज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए T1 ज़्यादा बेहतर है या फिर A14 5G। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।